गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड में एक नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है, वो है ब्रह्मदत्त द्विवेदी का। 7 जून 2023 को संजीव जीवा को कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया गया था। इसी दौरान वकील के वेश में पहुंचे शूटर विजय यादव ने संजीव जीवा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। अब इस मामले में कई चेहरे सामने आ रहे हैं। संजीव जीवा के साथ सबसे बड़ा कनेक्शन ब्रह्मदत्त द्विवेदी का सामने आया है। खुद शूटर ने ये माना है कि वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि संजीव जीवा पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड था क्या और कैसे इस मामले में संजीव जीवा का नाम आ गया और इस मामले की वजह से भरे कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या हो जाती है। दरअसल 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक तिलक समारोह में गए थे। तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस हत्या के पीछे सपा नेता विजय सिंह का नाम आया था। विजय सिंह के अलावा बीजेपी नेता साक्षी महाराज का भी इस कांड में नाम आया था और इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने इस मामले में विजय सिंह और संजीव जीवा को आरोपी बनाया था और 17 जुलाई 2003 को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने संजीव जीवा और विजय सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन दोनों ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोनों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। ये तो रही ब्रह्मदत्त के मर्डर की बात, लेकिन ब्रह्मदत्त के बारे में आपको एक चीज और नहीं पता होगी जो हम आपको बताने वाले हैं। 3 जून 1995 को मायावती बीजेपी के सपोर्ट से यूपी की मुख्यमंत्री बनती हैं, लेकिन इसके कुछ ही घंटे पहले मायावती को लखनऊ के मीरा गेस्ट हाउस में सपा के हथियारबंद कार्यकर्ता घेर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त मायावती को मारने की साजिश रची गई थी और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं को फोन मिलाया था और मायावती को बचाने के लिए पुलिस से पहले ब्रह्मदत्त द्विवेदी गेस्ट हाउस पर पहुंच गए थे और पुलिस के आने तक उन्होंने मायावती की हिफाजत की थी और यहीं से मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मानने लगी थी। 2007 में बीएसपी की फरुखाबाद में एक रैली होती है जिसमें बीएसपी नेता सतीश मिश्रा खुद इस बात को कबूलते हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी का पार्टी पर बड़ा एहसान है।